समर का संकल्प है जोरदार। सुपर हिट संडे का इंतजार। पॉलिटिकल सेंसेक्स का मंच तैयार। पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर पार। लोकसभा से पहले की ललकार। त्रिमूर्ति के संकल्प से संवरेगा बिहार। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पटना में एनडीए की संकल्प रैली को लेकर गांधी मैदान तैयार है। गांधी मैदान में रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। दो मंच बनाए गए हैं। एक मंच पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, तो दूसरे मंच पर राज्य सरकार के मंत्री और विधायक मौजूद होंगे। रैली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री 11:30 बजे पटना पहुंचेंगे। संकल्प को लेकर तैयार है गांधी मैदान। गांधी मैदान में बनाए गए दो मंच, पीएम सीएम दिखेंगे साथ साथ। 3 मार्च को एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनने के लिए गांधी मैदान पूरी तरह से तैयार है। गांधी मैदान में दो विशाल मंच बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये आइडिया सीएम नीतीश का है। संकल्प रैली के लिए गांधी मैदान में दो मंच बनाए गए हैं। पीएम और सीएम जिस मंच से रैली को संबोधित करेंगे, उस पर 40 नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस मंच पर पीएम के साथ सीएम मौजूद रहेंगे, साथ में केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सभी पार्टियों के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे। वहीं दूसरी मंच पर 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दूसरे मंच पर एनडीए के सांसद, विधायक, एमएलसी और नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई। संकल्प रैली को लेकर अब कुछ ही घंटे या कहें कि 24 घंटे से कम का समय बचा है, और ऐसे में दो मंच बने हैं। एक बड़ा मंच है, उस पे जो विधायक, सांसद और एमएलसी के लिए बनाया गया। दूसरा मंच जो मुख्य मंच है, जहां प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, उसमें जो है मुख्यमंत्री रहेंगे और एनडीए के जितने नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के मंत्री, उनको जगह मिलेगी। और संकल्प रैली के लेकर जो एक तस्वीर मंच पर, मुख्य मंच पर लगाई गई है पूरे मंच को लेकर, उसमें संकल्प रैली और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और रामविलास पासवान और भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, या कहें कि तीनों पार्टियों को जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री को जगह दी गई है। रैली में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, लिहाजा सुरक्षा भी सख्त है। इस बीच संकल्प रैली में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी 10:05 पर दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना होंगे। 11:40 पर पीएम पटना पहुंचेंगे। 11:45 बजे पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान के लिए निकलेंगे। करीब 12 बजे पीएम मोदी गांधी मैदान पहुंचेंगे और 12:40 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू हो जाएगा। फिर दोपहर 1:35 बजे प्रधानमंत्री गांधी मैदान से एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। दोपहर 1:50 पर पीएम नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 1:55 पर वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा सख्त है। गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। भारी भीड़ आने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, इसे लेकर भी तैयारी की गई है। जो एक तस्वीर है वो सामने अब आ गई है कि रैली किस तरह की होगी, किस तरह से मैदान में, पूरा मैदान कहा जा रहा है कि ये भर जाएगा, एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं, और उन दावों में कितना सच होता है ये तो कल दिखेगा, लेकिन अभी जो इंतजाम है वो अपने आप में खास दिख रहे हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो 3 मार्च को एनडीए की रैली है और रैली को लेकर जोरदार तैयारी भी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटेगी और संभावित भीड़ को देखते हुए उनके ठहरने से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था हर स्तर पर की जा रही है। विधायक और मंत्रियों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। रैली में पहुंचने वाले लोगों को दिक्कत न हो, ऐसी तैयारी हो रही है।
पटना में है संकल्प की बारी, रिकॉर्ड भीड़ है आने वाली, एनडीए ने की है भव्य तैयारी। तीन मार्च को पटना में एनडीए की संकल्प रैली है और इस रैली के लिए एनडीए ने जोरदार तैयारी कर रखी है। पूरा पटना पहले से पोस्टरों से पटा पड़ा है। पटना का ये पटेल गोलंबर है और इस तरह से इसको बैनर पोस्टर है जो संकल्प रैली को लेकर उससे पाट दिया गया है और तमाम तरह के जो तीनों दल हैं लोजपा भाजपा और जेडीयू के नेताओं की ओर से ये सब बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और इनमें तमाम तरह की बात लिखी गई है। किसी में 56 इंच सीने की बात कही गई है क्योंकि 56 इंच सीने को लेकर तमाम बातें होती थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसको लेकर भी एक उत्साह है। और जैसी तैयारियां हो रही हैं, उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए की रैली में रिकॉर्ड भीड़ जुटने वाली है और इस भीड़ के लिए खाने पीने का इंतजाम विधायक मंत्रियों के घरों पर हो रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर 20,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। संकल्प रैली में आने वालों के लिए अब भोजन की व्यवस्था होने लगी है और खाना बनने लगा। हम इस समय जो वशिष्ठ नारायण सिंह है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आवास पे अब खाने का इंतजाम जो है धीरे धीरे शुरू हो गया है। यहाँ सूजी भून के रखी गई है जिसका हलवा बनना है और क्या क्या और बनना है, क्या चीजें हम वो पूछ लेते हैं, क्या क्या और बनेगा यहाँ पर? तस्मई बनेगा सर, तस्मई बनाना है, पूरी बनाना है, भुजिया बनाना है। अच्छा, भुजिया बनाना है। कितने लोगों का इंतजाम है? 20,000 आदमी का यहाँ इंतजाम है। तैयारियों को लेकर इसी से समझ जाइए कि जेडीयू ने लोगों को रैली में लाने के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था की। क्योंकि इस रैली में बिहार के जो हमारे एनडीए के जितने भी हमारे समर्थक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, बड़े उत्साहित हैं और उत्साहित इसलिए हैं कि भाई जो काम हुआ है बिहार में और देश में उससे लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों को चल करके गांधी मैदान में जो हमारे नेता हैं उनको समर्थन देना चाहिए। इस रैली में एनडीए की साझेदार एलजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। एलजेपी के जो समर्थक रैली में पहुंचेंगे, उनके रहने ठहरने के लिए वेटनरी कॉलेज के मैदान में व्यवस्था की गई है। संकल्प रैली को लेकर लोजपा की ओर से भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, इसके अंदर एक पंडाल बनाया गया है और बड़ा पंडाल ये बन रहा है और इसी तरह के दो और पंडाल जो लोजपा का प्रदेश कार्यालय है और पशुपत कुमार पारस जो मंत्री हैं उनके आवास पर दो और पंडाल बनाए। राज्य सरकार में मंत्री मदन सहनी के आवास पर भी रैली में जुटने वाले समर्थकों के ठहरने की व्यवस्था है। उन्होंने तो बकायदा अपने आवास में अलग से शौचालय का निर्माण करवाया है ताकि गंदगी बाहर न फैले। उधर पटना से दूर फारविसगंज में रैली को लेकर बाइक जुलूस निकाली गई। इस जुलूस में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बाइक जुलूस के जरिए लोगों को पटना रैली में शामिल होने की अपील की गई। तो लखीसराय में भी एनडीए ने बाइक रैली निकालकर लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की। सूबे के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खुद इस बाइक रैली का नेतृत्व किया। हित में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है और आज भारत का मान सम्मान जो पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है उसको समर्थन मिला है। संकल्प रैली को लेकर एनडीए ने भव्य तैयारी की है। दावा रिकॉर्ड भीड़ आने का किया जा रहा है, जिसे देखते हुए गांधी मैदान से लेकर नेता मंत्री विधायक के घरों पर खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। इस रैली से ही एनडीए लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम और व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है। गांधी मैदान के साथ ही पूरे पटना में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन और कई सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है। सियासी बदलाव का गवाह रहा पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, एक बार फिर से रैली के लिए तैयार है। एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। मोदी, नीतीश और रामविलास पासवान की त्रिमूर्ति लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेगी। रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो सुरक्षा के भी
चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रैली की सुरक्षा के लिए 12,000 जवानों को लगाया गया है। इसके अलावा 15 आईपीएस स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। पूरी व्यवस्था है सुरक्षा से संबंधित, जो भी किया जा सकता है, एक एक चीज पर नजर है और पूरी व्यवस्था है। बाहर से कर 4,000 फोर्स लगी हुई है, 5 SP तो इस जिले में है, पटना जिले में, मतलब 3 CTSP, ट्रैफिक SP, सीनियर SP, इसके अलावा 15 SP रैंक के पदाधिकारी और प्रतिनिधि किए गए। संकल्प रैली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11:45 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां रवाना होने के बाद दोपहर 12 बजे तक गांधी मैदान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले 3 मार्च को एनडीए की रैली को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आगमन गांधी मैदान में करेंगे और उसी को लेकर के इसी रास्ते से होकर के नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, तो उस पर लेकर के कारकेड की जो है वो रिहर्सल की जा रही है, किस तरीके से रिहर्सल वहां पहुंचेंगे और उसके बाद ठीक इसी रास्ते से होकर के ये वापिस जाएंगे एयरपोर्ट। तो इसको लेकर के जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरी तरीके से कारकेड की जो है वो इंतजाम किए गए हैं। संकल्प रैली के मद्देनजर वाहनों की पार्किंग और ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रविवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रोक रहेगी। रैली को लेकर के समुचित व्यवस्था किया गया है, इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम पब्लिक को कम से कम असुविधा न हो। रैली में पहुंचने वाली भीड़ के मद्देनजर रेलवे भी मुस्तैद है। पटना जंक्शन और आसपास के स्टेशनों पर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। स्वान दस्ते को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा को लेकर हमारा 3 पाली में लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, जो डॉग स्क्वाड है, उसकी भी यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। लगातार पटना पुलिस की जो टीम है, साथ ही साथ रेलवे पुलिस की टीम है, साथ ही आरपीएफ की जो टीम है, वो लगातार इस पर खुद पूरी तरीके से मुस्तैद है। सहयोगी फिरोज के साथ संजय कुमार, जी मीडिया पटना। संकल्प रैली में आने वाले लोगों के लिए पटना के दयानंद हाई स्कूल में भी व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर संसदीय क्षेत्र से भी 15,000 से ज्यादा लोग रैली में शामिल होने पटना पहुंचेंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और इस बार भागलपुर की जनता कमल को वोट करेगी। हम तो भागलपुर से ही, तो और कहां से तैयार होंगे। हम तो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार नीतीश कुमार जी नहीं थे हमारे साथ, तब बहुत less than 1% वोट से भागलपुर ने लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को कमल का फूल नहीं दे पाए थे हम लोग। इस बार भागलपुर में से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट होगा। बिहार को एक और तोहफा मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद रहे। पीएमसीएच में बनने वाले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण अगले साल तक पूरा हो जाएगा और इस ब्लॉक में 3,000 बेड होंगे। कई सुविधाओं से ये लैस होगा। इस ब्लॉक का निर्माण 3 फेज में पूरा होगा। पहले यहां डॉक्टर्स के आवास, नर्सेस के हॉस्टल, सेंट्रल यूटिलिटी ब्लड बैंक के साथ मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी। पहले फेज में 211 बेड के ब्लॉक का निर्माण होगा। पहले फेज में करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे और पहले चरण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा। दूसरे चरण में भी करीब 2,000 बेड वाले ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा और तीसरे चरण में करीब 1,500 बेड वाले ब्लॉक का निर्माण होगा। कुल बजट 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। माना जा रहा है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण के बाद बिहार के स्वास्थ्य सेवा देश की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा बन जाएगी। आपका 40-50% के बीच में दिल्ली के एम्स में जो इलाज कराने जाते हैं वो बिहार के लोग होते हैं। अगर किसी को देखने चले जाते थे ट्रीटमेंट जब उसका होता रहता था, तो जब भी एम्स जाते थे तो इतने लोग मिल जाते थे अपना बिहार के और परिचित लोग, प्रणाम प्रणाम सब करते रहते थे कि तब से हमको लगा कि सब ज्यादा संख्या
बिहार के लोग वहां जाते हैं और बिहार के एमपी को साथ एक समझदार व्यक्ति को रखिए कि उन सब लोगों को एम्स ले जाए और उसका इलाज कराने में सहूलियत प्रदान करे। ये हम सब लोग करते रहते हैं तो एम्स बन गया, खुशी की बात। अब दिल्ली में एम्स में जाने वालों की संख्या घटेगी, लेकिन ये सब होने के बाद मित्रों स्वास्थ्य की दृष्टि से बिहार ने बहुत प्रगति की है और मेन सेंटर स्टेज पर स्वास्थ्य को लेकर के आया है। ये छोटी घटना नहीं है। 9000 प्लस करोड़ का हेल्थ का बजट, 3300 करोड़ का एक साथ हेल्थ का बजट में इंक्रीज, ये बताता है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के प्रति कमिटेड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोतिहारी के पिपराकोठी पहुंचे। सीएम के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने मिलकर दो दिवसीय सहकार मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कृषि विज्ञान केंद्र में सरदार पटेल की मूर्ति का भी शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्मयोगी बताया। उन्होंने कहा कि आज देश की सत्ता एक मजबूत आदमी के हाथ में है, जिस कारण भारत की ओर चीन जैसे देश भी आंख उठाने में सोचने लगे हैं। योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी बातें कही और एक बात उन्होंने इस बात को कही कि महान भारत जैसा महान देश, इसकी स्वाधीनता को जब भी जम्मू कश्मीर में बिहार के एक और जांबाज बेटे ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी है। आतंकियों से लोहा लेते हुए बेगूसराय जिले के जांबाज बेटे पिंटू कुमार सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत से एक तरफ जहां परिवार के लोग गमजदा हैं, वहीं पूरा बिहार इस शहादत पर गर्व कर रहा है। शहादत से बिहार का माथा ऊंचा, बेगूसराय का सपूत हुआ शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए बलिदान, लोगों ने बहादुर को किया सलाम। जब देश में पड़ोसी मुल्क के साथ तनातनी के हालात बने हुए हैं और आतंकियों से हमारे वीर जवान लोहा ले रहे हैं, तब बिहार की माटी को एक वीर सपूत ने फिर गौरवान्वित किया है। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू सिंह जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। वो बेगूसराय के रहने वाले थे। दरअसल गुरुवार की देर रात से शुक्रवार की शाम तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही, जिसमें दो आतंकवादी ढेर हो गए, लेकिन हमारे पांच जवान शहीद हो गए। उसका दोस्त कोई भेजा था, पर ये तो डाउट हुआ, फिर कंट्रोल रूम फोन किए, वहां से ही बताया कि वो शहीद हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मसौढ़ी पहुंचकर पुलवामा हमले में शहीद संजय सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। एक ओर जहां बिहार अपनी माटी के लाल की शहादत और वीर अभिनंदन पर गर्व कर रहा है, वहीं पुलवामा हमले के तार का कनेक्शन बांका से जुड़ने की खबर है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ चल रही है। केंद्र के स्पेशल इनपुट पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि परिजन इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं डीजीपी भी कह रहे हैं कि जो सूचनाएं आई हैं उसकी जांच की जा रही है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है। बांका से संदिग्ध गिरफ्तार, पुलवामा हमले से जुड़े हैं तार, बेकसूर हमले का बांका कनेक्शन, पूरी एहतियाती कार्रवाई हम कर रहे हैं। बांका से एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक के तार पुलवामा हमले से जुड़े हैं। हालांकि इन आरोपों को युवक के परिजन सिरे से खारिज कर रहे हैं। जमीन उसको 10-12 बीघा है, गाड़ी मोल बड़की दुआरी पर खड़ी है, हम लोग का जमीन है। और खेती बाड़ी करता है। अच्छा, किसके साथ रहता था गांव में? कोई के साथ नहीं, अपना माल जाल से मतलब है और उसको किसी के साथ
संघर्ष शोभा था। बांका पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था जिसमें ये कहा गया था कि बांका में संदिग्ध आतंकवादी मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जबकि एक की तलाश हो रही है। खुफिया जानकारी में तो ये भी कहा गया कि जिस फरार शख्स की तलाश हो रही है उसने अपने घर की एक बुजुर्ग महिला को आत्मघाती दस्ते में शामिल किया है और वो हमले की ताक में है। लेकिन इन सारी जानकारी की डीजीपी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हाँ इतना जरूर कह रहे हैं कि जानकारी आई है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। हम लोगों को सारी सूचनाओं जितनी भी मिलती हैं उसका हम लोग सत्यापन करते हैं, सब चीज पर नजर रखते हैं। अच्छा, तो सत्यापन का दौर चल रहा है, कुछ इस तरह से कहा गया कि जो वहाँ पे सुसाइड बॉम्बर या कोई महिला इस तरह कुछ इस तरह की कोई हमको जानकारी नहीं है, पूरी एहतियाती कार्रवाई हम कर रहे हैं। बांका पुलिस ने जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है वो गाँव में दूध का कारोबार करता था। पूछताछ में संदिग्ध की माँ ने यही बयान दिया, गिरफ्तारी के बाद से संदिग्ध का पूरा परिवार थाने में मौजूद है। बांका से वीरेंद्र के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया पटना। कि जितने 55 सालों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई उतना 55 महीनों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। कांग्रेस और लालू का सरकार सब